अक्सर शूटिंग करते वक्त एक्टर्स और एक्ट्रेसेस की घायल होने की खबरें आम बात है, लेकिन कुछ हादसे इतने बड़े और इतने झंझोर देने वाले होते हैं कि एक्टर्स इसके बाद ऐसी सीक्वेंसेस में काम करने से बेहद डर जाते हैं और कई कबार तो इन सीक्वेंसेस में काम ही नहीं करते। अब देखिए ना, ऐसा ही कुछ हुआ हमारी प्रियंका चोपड़ा के साथ भी। फिल्म वक्त द रेस अगेंस्ट टाइम की शूटिंग के दौरान जब अक्षय कुमार और प्रियंका चोपड़ा को एक होली वाले सॉन्ग पर डांस करना था, इस शूटिंग के लिए काफी सारी प्रिपरेशन की गई थी। सेट पर इस गाने के लिए काफी मात्रा में पानी और गुलाल का इस्तेमाल किया गया था। अब इस गाने की आधी शूटिंग तो खत्म हो गई थी, लेकिन गाने के दूसरे हिस्से में जब प्रियंका चोपड़ा ने शूटिंग शुरू की तो उनका पैर अचानक से एक बिजली की नंगी तार पर पड़ गया, जिससे उन्हें इतना जोर का झटका लगा कि वो बेहोश होकर टैंक में गिर गई। अब जैसे ही अक्षय कुमार ने उन्हें देखा, वो तुरंत ही आनंद फानंद ने प्रियंका चोपड़ा को अपनी बाहों में उठाकर अस्पताल ले गए, जहां प्रियंका चोपड़ा का पूरे एक दिन तक इलाज हुआ और उसके बाद उन्हें छुट्टी दे दी गई। लेकिन जब बारी आई फिल्म के इस बचे हुए गाने को पूरा करने की, तो प्रियंका चोपड़ा इतनी डर गई थी कि उन्होंने इसे करने से साफ इनकार कर दिया और फिर जैसे तैसे प्रियंका चोपड़ा के बॉडी डबल ने इस गाने को पूरा किया। इस हादसे का असर प्रियंका चोपड़ा पर इतना पड़ा कि आज भी वो किसी भी पानी सीक्वेंस को करने में काफी ज्यादा कतराती है। आपको क्या लगता है, कमेंट कीजिए और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।